एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का जेडीज किचन में हार्दिक स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को लाइक और दोस्तों में शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आज हम बनाएंगे साउथ इंडिया का मशहूर स्ट्रीट फूड दाल वड़ा। चने की दाल से बनने वाला ये वड़ा बाहर से क्रिस्प है, कमाल का क्रिस्प है, स्वाद में लाजवाब और दिखने में शानदार है। सबसे पहले एक कप चने की दाल को 4-5 घंटे तक पानी में भिगो लिया है और उसका पानी निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें पानी बिल्कुल ना हो इस बात का ध्यान रखें। इसमें से 2 टेबलस्पून चने की दाल हम साइड में रख देंगे जो हम बाद में यूज़ करेंगे। ये कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ते, हरा धनिया और जीरा, ये सारी सामग्री दाल वड़ा को टेस्टी बनाएगी। ये चने की दाल को मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब मसालों की बारी है। सबसे पहले ये 3 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक की पेस्ट को डालेंगे। उसके बाद में बारीक कटा हुआ करी पत्ता, करीब 5-6 करी पत्ते हैं जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, उसे भी डालेंगे। ये 1 टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड्स, उसे भी डाल दिया। और ये 1 प्याज बारीक कटा हुआ, उसे भी डालेंगे। लीजिए, ऑनियन को भी डाल दिया। और दोस्तों, ये 2 टेबलस्पून भीगी हुई चने की दाल जिसको हमने साइड में रख दिया था, उसे डाल देंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आखिर में स्वादानुसार नमक डालकर मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून बेसन भी डाला है। देखिए, हमारा मिश्रण तैयार है। अपने हाथों को पानी से गीला कर लें ताकि बैटर हाथों में चिपके नहीं, और इस तरह से चपटे वड़े बना लें। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। मध्यम आंच पर हल्के गुलाबी रंग के दाल वड़े फ्राई कर लेंगे, बीच बीच में पलटते रहेंगे। देखिए, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। वड़े को निकाल लेंगे और ठंडा होने पर दूसरी बार फ्राई करेंगे। दोस्तों, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो डबल फ्राइंग अवॉइड कर सकते हैं। हमारे वड़े ठंडे हो चुके हैं, उसे अपने हाथों से दबाएंगे इस तरह से और साइड में रख देंगे। इसी तरह से सभी वड़ों को दबाकर साइड में रख देंगे। अब ये वड़े फिर से गर्म तेल में जाएंगे। डबल फ्राई करने से हमारे दाल वड़े एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएंगे। इस बार गोल्डन ब्राउन कलर के वड़े फ्राई करेंगे, बीच बीच में पलटते रहेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, करीब 3 मिनट लगेंगे और हमारे कमाल के दाल वड़े तैयार हैं। इसका कलर, टेक्सचर, इसका क्रंच, वाह, मज़ा आ गया। हमारे दाल वड़े तैयार हैं और आखिर में दाल वड़े की प्लेटिंग करेंगे। दोस्तों, वैसे तो दाल वड़ा दही के साथ सर्व नहीं होता, मगर मैं उसे दही के साथ सर्व करूँगा। ये दही को वड़े पर डालेंगे। दोस्तों, खाना दिल से पकाइए, क्योंकि दिल से पकाया हुआ खाना खाने वाले के दिल में उतर जाता है। दही के बाद ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्च की स्पाइसी चटनी, कलर कॉम्बिनेशन देखिए। दोस्तों, ये टोमेटो सॉस, आप खजूर इमली की चटनी भी ले सकते हैं, सफ़ेद, हरा, लाल, लुकिंग टेम्पटिंग एंड ब्यूटीफुल। हरी मिर्च और हरे धनिए से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप ये क्रिस्पी दाल वड़ा ज़रूर बनाएं, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी रेसिपी को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।